अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नवा रोज़ा हो चुका है आज, और मैं कुरान की तफसीर और तो कुरान का तर्जुमा जो है वो स्टार्ट कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर करा जाए ये एक्सपीरियंस। ये मतलब जो मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैं उसमें जो भी हंस खेल रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करता हूँ। बट हम ये वाला पार्ट जो है, जो हमारा स्पिरिचुअल पार्ट है, रूहानी पार्ट है, हम उसको स्किप कर देते हैं। स्किप कर देना चाहिए कि हमारी इबादतें जो हैं वो थोड़ी प्राइवेट होनी चाहिए। बट एक दावत वाला भी एक फैक्टर है, तो दावत के लिहाज से और एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि जब आप तर्जुमा की तरफ जाते हैं या तफसीर की तरफ जाते हैं, तो आप क्या क्या फेस करते हैं या क्या क्या एक्सपीरियंस आपके रहते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। पता नहीं, हो सकता है मैं डालूँ, हो सकता है मैं ना डालूँ सोचने समझने के बाद, बट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये पीछे दिख रहा है, मैंने शीशा लगा रखा है, तो पीछे शीशे में मुझे दिख रहा है कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है। बट बस मैं फोकस के अंदर हूँ, क्योंकि फोकस का समझ नहीं आ रहा है। कोशिश करूँगा कि ऐसे ही बात करूँ जैसे कि आप लोग यहाँ पर हैं। और थोड़ा सा एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा हो सकता है खुलने में। वैसे तो मैं ये पहले रोज़े से स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट मैं उससे पहले कुछ और पढ़ रहा था और अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी मैं तर्जुमा स्टार्ट कर रहा हूँ वो है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का। मेरे पास मौलाना मौदूदी साहब का भी है, तो आगे देखते हैं किस तरीके से क्या क्या सामने आता है और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मच्छर बहुत हो गए हैं, गर्मी आ गई हैं, तो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कोशिश करेंगे कि यार मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और जितना भी हम कर पाएँ ऐसा नहीं है, बट इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी रही तो उसको चालू रखेंगे। और इसको, इस किताब को, इस कुरान को जो ये मैंने मंगाया है ऑनलाइन, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाया था बट कभी पूरा नहीं पढ़ पाया। बट इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि आगे भी रमज़ान के बाद अगर ज़िंदगी रही तो इसको पढ़ें, और अगर ये समझ में आती है चीज़ तो हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये है तौज़ीउल कुरान। देखो ऐसा है कि यार ये ना रोमन ट्रांसलिट्रेशन है, रोमन स्क्रिप्ट के अंदर ना उर्दू ट्रांसलिट्रेशन है। तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं वो मैंने पढ़े हैं, मतलब ऐसा कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो थोड़े उर्दू वाले हैं, और उर्दू अपनी जो है तुम्हें पता ही है यार कि उर्दू इतनी कुछ खास नहीं है। हालांकि मैं सीख रहा हूँ पिछले 2 महीने से, तो उससे थोड़ी बेहतर हुई है। उर्दू पढ़ने में परेशानी होती है, उर्दू के अल्फाज हो सकता है थोड़े ऊपर नीचे हो जाए, तो उसके लिए माजरत। खैर, पेशे लफ्ज़ वगैरह जो हमारे एक्नॉलेजमेंट वगैरह है, ये हम इसको स्किप कर देते हैं और मेन कंटेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा नहीं करना। तो इसमें स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही कुरान का तर्जुमा या तफसीर शुरू हो गई है। इसके अंदर हमारा स्टार्टिंग के अंदर आता है मुकदमा। तो ये मुकदमा की इंग्लिश जो है वो पता नहीं, उसके बाद लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो कुछ ज़रूरी या नॉलेज है जो हमें कुरान पढ़ने से पहले हम लोगों के जहन में होनी चाहिए, कि कुछ डाउट्स, कुछ चीज़ें जो क्लियर हैं वो यहाँ क्लियर करी गई हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ कोई भी किताब हम शुरू करते हैं तो उससे पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए कि क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों लिखी गई, किन हालात में आई। तो ये उसी बारे में, तो उसमें लिखा है वही और उसकी हकीकत। तो इसमें ना रोमन में लिखा है, रोमन स्क्रिप्ट है उर्दू ट्रांसलिट्रेशन, तो थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो माजरत। कुरान करीम चुनाचे सरवरे कायनात हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल किया गया है, इसलिए सबसे पहले वही के बारे में चंद ज़रूरी बातें समझ लेने चाहिए। तो वही हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि वही क्या है, क्योंकि वही के ज़रिए कुरान नाजिल हुआ था, तो वही की ज़रूरत। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह ताला
ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है और उसके जिम्मे कुछ फ़राइज़ ऐद करके पूरे कायनात को उसकी खिदमत में लगा दिया है। लिहाजा दुनिया में आने के बाद इंसान के लिए दो काम नागुज़ीर हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैंने इसको सही प्रोनाउंसिएशन किया है नहीं किया। एक कि वो कायनात से और इसमें पैदा की हुई आशिया से ठीक ठीक काम ले, और दूसरा ये कि इस कायनात को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के अहकाम को मद्देनज़र रखे और कोई ऐसी हरकत ना करे जो अल्लाह तबारक ताला के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। तो देखो, हर मुसलमान को ये पता है कि वो यहाँ आजमाइश के लिए आया है, और उसी के साथ साथ अल्लाह पाक ने उसके कुछ फ़र्ज़ उसको दे दिए हैं कि पर्पस दे दिया है कि भाई ये तुम्हारा पर्पस है, इन्हीं पर्पस के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा कि आपकी आजमाइश पूरी हुई या नहीं हुई। ठीक है, आपकी आजमाइश में आप पास हैं या और फेल अल्लाह ने हैं। कायनात भी इंसानों के लिए ही बनाई, अपनी मखलूक के लिए बनाई, और उस कायनात को खिदमत में लगा दिया है इंसान की, क्योंकि हमें खलीफा चुना गया था। तो जितने भी इस कायनात को संभालने वाले फरिश्ते हैं वो भी हमारी खिदमत में ही लगे हुए हैं, और इसलिए ही अल्लाह ने सारे फरिश्तों को इंसान के आगे सजदा करने के लिए कहा था, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ के आगे झुकेंगे नहीं, आप उसके ताबे आके काम नहीं कर सकते। और कहीं पे कुछ ऐड करना चाहें या माइनस करना चाहें तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। लाइव में इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई साउंड नॉइज़ वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके लिए मैं पॉज लूँगा यहाँ पर, तो उसमें कट लग जाएगा। लाइव में वो चीज़ लंबी, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा की ना हो, चाहे हम जितना भी पढ़ें बट 20 मिनट से ज़्यादा की ना हो, क्योंकि ये टेंशन स्पैन आजकल लोगों का कम हो गया। इन दोनों कामों के लिए इंसान को इल्म की ज़रूरत है, बिल्कुल, इसलिए कि जब तक उसे मालूम ना हो कि इस कायनात की हकीकत क्या है, और यही पर्पस है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हम इस ये कायनात या ये यूनिवर्स वजूद में क्यों आया है, इसकी कौन सी चीज़ का क्या खवास हैं। खास आई डोंट नो, बता देना यार कमेंट में। उनसे किस तरीके के फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। उस वक्त तक वो दुनिया का कोई भी चीज़ में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिल्कुल, जब तक उसे पता ही ना हो कि भाई ये इसका पॉइंट क्या है, तब तक वो इस्तेमाल कैसे करेगा, जब तक उस चीज़ के बारे में पता ना हो। नीज़ जब तक उसे ये मालूम ना हो कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है, वो कौन से कामों को पसंद और किन कामों को नापसंद फरमाता है, उस वक्त तक उसके लिए अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। एग्जैक्टली, जब तक हमें ये इल्म ही नहीं होगा कि हम किस चीज़ में अल्लाह को क्या काम पसंद है क्या काम नहीं पसंद, अल्लाह कौन है, ये कायनात क्यों बनाई गई, ये सब चीज़ें सवाल हमारे मन में आने चाहिए, और इसी के लिए हमें कुरान और दुनिया में निकलना चाहिए इल्म के लिए। और ये मच्छर आ गए यहाँ, जब तक हमें पता ही नहीं होगा तो हम कहाँ से इन सब चीज़ों को पूरा करेंगे, कि एक रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब में हम अप्लाई करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट हमें पता ही नहीं है, हम ऐसे ही पहुँच जाते जॉब हैं। की एलिजिबिलिटी आपको पता ही नहीं है कि इसमें जॉब में आपको क्या क्या है, किस चीज़ की, इस चीज़ कौन कौन एलिजिबल है, तो आप उस जॉब में पहुंच जाते हैं, वहाँ इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं, वहाँ से सवाल इंटरव्यू कर कुछ और कर रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आप चुप बैठे हैं। तो ये ऐसा ही है, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस लिए आए हैं, किसकी फरमाबरदारी करनी है और क्या चीज़ें उसको पसंद है, तब तक आप किसी की ख्वाहिशें कैसे पूरी कर देंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के साथ साथ तीन चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जिनके ज़रिए उसे मज़कूरा बाला बातों का इल्म हासिल होता है। एक, इंसान के हवास,
यानी आँख कान मुंह हाथ पांव, दूसरे दूसरी दूसरी अकल और तीसरी वही। तो मतलब तीन चीज़ें अल्लाह पाक ने इंसान को गिफ्ट दी हैं कि भाई इससे आप इल्म हासिल कर सकते हो, इस चीज़ इससे आपको चीज़ों का पता चलेगा। पहले हैं हमारे हाथ पैर नाक मुंह सेंसेस, दूसरी है हमारी अकल और तीसरा है हमारा वही। चुनांचे इंसान को बहुत सी बातें अपने हवास के ज़रिए मालूम हो जाती हैं, बहुत सी अकल के ज़रिए, और जो बातें इन दोनों के ज़रिए मालूम नहीं होती उनका इल्म वही के ज़रिए आता किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इल्म के इन तीनों ज़राए में तरतीब कुछ ऐसी है कि हर एक के एक ख़ास हद तक मखसूस दायरेकार हैं जिसके आगे वो काम नहीं देता। चुनांचे जो चीज़ इंसान को अपने हवास मतलब सेंसेस से मालूम हो जाती है उनका इल्म निजी अकल से नहीं हो सकता। मसलन एक दीवार को आँख से देखकर आपको इल्म हो जाता है कि उसका रंग सफ़ेद है, लेकिन अगर आप अपने आँखों को बंद करके सिर्फ अकल की मदद से उस दीवार का रंग मालूम करना चाहें तो ये नामुमकिन है। और ये क्या बात है कि अगर आप अपने सेंसेस में हमारे इन तीनों चीज़ों की जो हमें गिफ्ट दिए हैं, एक हमारे सेंसेस, एक हमारी अकल और एक वही, इनमें इनकी एक लिमिट है, उसके लिए दूसरी चीज़ काम आती है। तो अगर एक सामने दीवार है उसका कलर सफ़ेद है तो मैं देख के बता सकता हूँ कि उसका कलर सफ़ेद है, लेकिन अगर मैं अपने सेंसेस में अपनी आँखें बंद कर लूँ और मैं सोचूँ, अपने दिमाग से सोच के बताऊँ कि भाई उसका कलर क्या है, तो वहाँ मेरी अकल काम नहीं आएगी, उसकी लिमिटेशन है। इस तरह जिन चीज़ों का इल्म अकल के ज़रिए हासिल होता है वो सिर्फ हवास से मालूम नहीं हो सकती। मसलन आप सिर्फ आँखों से देखकर या हाथों से छूकर ये पता नहीं लगा सकते कि दीवार को किस इंसान ने बनाया है, बल्कि इस नतीजे तक पहुँचने के लिए अकल की ज़रूरत है। आपने छू ली और आपने देख के बता नहीं सकते, आप देख के भी नहीं बता सकते, छू के भी नहीं बता सकते, सूंघ भी लें उसको तो आप ये नहीं बता सकते कि उसको किसने बनाया था। उसके लिए आपको अकल लड़ानी पड़ेगी। अकल लड़ाने के लिए आप लोगों से पूछेंगे किसने बनाया था, सर्च करेंगे, गूगल लेंस पर डालेंगे, तो उसमें आपकी अकल काम आएगी। गर्ज जहाँ तक हवास एक खमसा, गर्ज जहाँ तक हवास एक खमसा, ये क्या होता है, काम देते हैं, वहाँ तक अकल कोई रहनुमाई नहीं करती। और जहाँ तक हवा से खमसा जवाब दे देते हैं वहाँ से अकल का काम शुरू होता है, लेकिन इस अकल की रहनुमाई भी गैर महदूद नहीं है, ये भी एक हद पर जाकर रुक जाती है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका इल्म ना हवास के ज़रिए हासिल हो सकता है और ना अकल के ज़रिए। मसलन इसी दीवार के बारे में ये मालूम करना के इसको किस तरह इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला राज़ी और किस तरह इस्तेमाल करने से नाराज़ होगा, ये ना हवास के ज़रिए मुमकिन है ना अकल के ज़रिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इस दीवार के ज़रिए अल्लाह ताला को खुश करूं, तो आप ना तो अपने सेंसेस से बता सकते हैं कि किस तरह खुश होगा, ना आप अपनी अकल से बता सकते हैं। उसके लिए तो आपको इल्म होना चाहिए जो आपको अल्लाह पाक देगा। इस किस्म के सवालात का जवाब इंसान को देने के लिए जो ज़रिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है उसका नाम वही है, और इसका तरीका ये होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी को मुंतकब फरमाकर उसे अपना पैगंबर करार देता है और उस पर अपना कलाम नाजिल फरमाता है। इसी कलाम को वही कहा जाता है। सिंपल बात है। ये बात और एक मिसाल के से शायद ज़्यादा वाज़े होगी। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे हाथ में एक पिस्तौल है, उसे आँख से देखकर मैं उसका साइज़ और उसकी सूरत मालूम कर सकता हूँ। मैं हाथ से छूकर ये मालूम कर सकता हूँ कि ये किसी ठोस चीज़ से बनी हुई है। इसका ट्रिगर दबाकर मैं ये जान सकता हूँ कि इससे एक गोली
पूरी कुव्वत से निकलकर दूर गई है। इसकी आवाज़ सुनकर मुझे ये मालूम हो जाता है कि इससे एक धमाका पैदा होता है और इसकी नाली को सूंघकर ये पता लगा सकता हूँ कि इसमें बारूद की बू आ रही है। ये सारी इत्तेलात मुझे मेरे ज़ाहिरी हवास यानी आँख हाथ कान और नाक ने फरहाम की हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि उसे किसने बनाया तो मेरा ये ज़ाहिरी हवास इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इस मौके पर मैं अकल से सोचता हूँ तो अकल मुझे ये बताती है कि ये पिस्तौल जिस अंदाज से बनी हुई है वो खुद बाखुद वजूद में नहीं आ सकती। एग्जैक्टली कि पड़ी थी कोई चीज़ मिली और सारे मेटल एलॉयज मिलके एक बंदूक बन गई, ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन किसी कारीगर ने उसे बनाया है। वो कारीगर ना मेरी आंखों से नज़र आ रहा है और ना मेरे कान उसे आवाज़ को सुन रहे हैं, मगर अपनी अकल के ज़रिए मुझे ये इल्म हासिल हो गया कि किसी कारीगर इंसान ने बनाया है। बिल्कुल तो कल से याद रखना भाई, पानी लेके भी बैठना है। आई डोंट नो वीडियो की टाइमिंग कितनी हो गई है, बट हमें वही वाली चीज़ तो पूरी करनी होगी आज। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि इस हथियार का कौन सा इस्तेमाल जायज़ है और कौन सा नाजायज़। इस सवाल के जवाब में भी मेरी अकल एक हद तक मेरी मदद कर सकती है। मैं अकल से सोच सकता हूँ कि इस हथियार के ज़रिए किसी बेगुनाह को कत्ल करना बहुत बुरा काम है, जिसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि किसको बेगुनाह कहा जाए और किसको मुजरिम, और कौन सा जुर्म ऐसा है जिसकी सज़ा में पिस्तौल के इस्तेमाल करके किसी को कत्ल किया जा सकता है। ये ऐसे सवालात हैं जिन पर अगर मैं सिर्फ अकल की बुनियाद पर गौर करूं तो अकल मुझे उलझन में डाल देगी। मसलन अगर एक कातिल मेरे सामने है जिसने किसी बेगुनाह की जान ली, उसके बारे में मैं अकल से सोचता हूँ तो कभी अकल ये कहती है कि इस कातिल ने एक जीते जागते इंसान को मौत की नींद सुला दिया, उसकी बीवी को बेवागी का ज़ख्म लगाया, बच्चों को बिला वजह यतीम बनाकर उन्हें बाप की शफकत से महरूम किया, इसके लिए ये मुजरिम इस लायक है कि उसे भी मौत के घाट उतार कर दूसरों के लिए इबरत का सामान बना दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वही अकल दूसरी दलील दे देती है। वो कहती है कि जिस मकतूल को मारना था वो तो मर गया, कातिल को कत्ल करने से ना वो वापस आ सकता है ना उसकी बीवी बच्चों को उनका महबूब वापस मिल सकता है। इसके बजाय अगर इस कातिल को भी कत्ल किया जाएगा तो इसके भी वो बीवी बच्चे मुनासिब का शिकार हो जाएंगे जिनका कोई जुर्म नहीं है। ओबियसली ऐसे सवाल हमारी अकल देती है कि यार ये कौन सी क्या चीज़ राइट है क्या रॉन्ग है, इसके भी बच्चों को इसको मार देंगे तो इसके भी तो बीवी बच्चे, तो फिर दोनों के साथ सेम चीज़ हुई, और अगर हमने एक को मार भी दिया तो उसके बीवी बच्चों का क्या कसूर है। ये दोनों दलील अकल ही के सहारे वजूद में आई हैं, इसलिए पानी पी लेकर आया मैं क्योंकि गला सूख रहा है। हाँ भाई गला सूख गया। तो ये जो मैं कर रहा हूँ इसकी वजह यह है कि मैंने भी कभी मैंने किताबें रखता हूँ, बट मैं टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मेरी ऐसी है कि मैं जो हूँ ना खुद पढ़ता नहीं हूँ, मेरा दिल करता है कि कोई मुझे एक नरेशन दे दे, और ऐसे लोग भाई मिलते नहीं हैं। कौन कोई कोई आपके लिए क्यों नरेट करेगा, आपका भाई कर रहा है आपके लिए। ये दोनों दलील अकल के ही सहारे वजूद में आई हैं, इसके निरी अकल के भरोसे पर कोई फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है जिस पर सबकी अकल मुतमईन हो जाए।
ये वो मौका है जहाँ पर मेरे हवास कोई फैसला कुन जवाब देने के काबिल हैं, ना मेरी अकल, क्योंकि कोई ना तो इस भाई इस सिचुएशन में ना तो मैं साइंसिस का काम ले सकता हूँ और मेरी अकल मुझे कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि आप हर डायरेक्शन से सोचते हो। जो सोचने वाले लोग होते हैं, जो अकलमंद लोग होते हैं, वो हर डायरेक्शन से सोचते हैं, वो इमोशनल सेंसेस से नहीं सोचते कि मैं इसको मार दिया ख़त्म, ठीक क्या क्या क्या। एक जज या कोई अकलमंद इंसान चीज़ों पर गौर करेगा और वो ये कहेगा कि भाई अगर मैंने मुजरिम को मार भी दिया और मैंने बदला ले भी लिया, तो ये तो भाई उसके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, फिर गिल्ट में रहेगा। मार भी दिया तो उसके बाद हो सकता है गिल्ट में ज़िंदगी बिता दे। इस मौके पर अल्लाह ताला की हिदायत ही दरकार होती है, जो वो अपने पैगंबरों पर वही नाजिल करके इंसानियत को फरमाता है। यहीं पर अल्लाह ताला अपने वही के ज़रिए लोगों को समझाता है। इससे वाज़ हो गया कि वही इंसान के लिए वो आला तरीन ज़रिया इल्म है जो उसे उसकी ज़िंदगी के मुतालिक उन सवालात का जवाब मुहैया करता है जो अकल और हवास के ज़रिए हल नहीं हो सकते, लेकिन उनका इल्म हासिल करना उसके लिए ज़रूरी है। इससे ये भी वाज़े हो जाता है कि सिर्फ अकल और मुशाहदा इंसान की रहनुमाई के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी हिदायत के लिए वही है इलाही एक नागुज़ीर ज़रूरत है, और चुनाचे बुनियादी तौर पर वही की ज़रूरत पेश ही उस जगह आती है जहां अकल काम नहीं देती। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि वही की हर बात का इदराक अकल से हो ही जाए, बल्कि जिस तरह किसी चीज़ का रंग मालूम करना अकल का काम नहीं बल्कि हवास का काम है, इस तरह बहुत से दीनी अकायद का इल्म अता करना भी अकल के बजाय वही का मनसब है, और उसके इदराक के लिए नीरी अकल पर भरोसा करना दुरुस्त नहीं। तो ये बात तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई कोई भी वही के जैसे वही, अगर हम उसमें वही के ऊपर भी हम अकल लगानी शुरू करेंगे तो हमारी अकल तो लिमिटेड है, बट वही जो है वो अल्लाह ताला का की तरफ से एक इल्म है, एक गिफ्ट है जो हमें आ रहा है हमारे पैगंबरों के थ्रू, तो वो अगर हम उसमें अपनी अकल चलाएंगे तो वो भी सही नहीं है। हमारी अकल तो लिमिटेड है जैसे हमारे सेंसेस लिमिटेड हैं। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि इंसान अगर ये सोचे कि मुझे हर चीज़ का इल्म है, इस यूनिवर्स के बाहर का भी इल्म है, कि इस यूनिवर्स के अंदर तक का तो इंसान समझ में आता है, यूनिवर्स के बाहर क्या है उसका इल्म हमें नहीं है, ये टाइम कौन कंट्रोल कर रहा है, इस यूनिवर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसका इल्म हमें नहीं है। इल्म मतलब नॉलेज। जो शख्स माज़ल्ला खुदा के वजूद ही के कायल ना हो, उससे तो वही के मसले पर बात करना बिल्कुल बेसूद है। लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला के वजूद और उसकी कुदरत के कामिला पर ईमान रखता है, उसके लिए वही की अकली ज़रूरत उसके इम्कान और हकीकी वजूद का समझना कुछ मुश्किल नहीं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते, अल्लाह ताला जो है एग्जिस्ट ही नहीं करते, या क्वेश्चन करते हैं बहुत सारी चीज़ों को कि भाई ये सब चीज़ें खुद ही आ गई, तो उसको आप वही समझाओगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो गॉड में बिलीव ही नहीं करता है। बट जो इंसान अल्लाह को समझता है वो जानता है कि इस पूरी यूनिवर्स को बनाने वाला कोई तो एक है, तो ये तमाम जो ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है इसको बनाने वाला भी कोई है, और इंसान को भी किसी ना किसी मकसद की वजह से यहीं भेजा गया है। तो ये आपके समझ में आ जाएगा कि भाई पर्पस कि हम लोग ऐसे ही यहाँ पे आए चले गए मर गए ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो है कि हमें किसी वजह से यहाँ भेजा गया। फिर ये कैसे मुमकिन है कि उसने इंसान को पैदा करने के बाद उसे बिल्कुल अंधेरे में छोड़ दिया हो कि भाई आपको पैदा किया यहाँ छोड़ दिया और आप चलो, और उसे ये तक ना बताया हो कि वो क्यों इस दुनिया में आया है, कि
कि भाई हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पर्पस ऑफ लाइफ पता ही नहीं है और वो डिप्रेस होते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं या सुसाइडल हो जाते हैं, डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, और उसे ये तक ना बताया हो कि वो दुनिया में क्यों आया है, यहाँ उसके ज़िम्मे क्या फ़राइज़ हैं, क्या उसके उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उसके मंजिल मकसूद क्या है कि उसको जाना कहाँ है और वो किस तरह अपने मकसद ज़िंदगी को हासिल कर सकता है, वो कैसे इसको अचीव करेगा। क्या कोई शख्स जिसके होश व हवास सलामत हों ऐसा कर सकता है कि अपने किसी नौकर को एक ख़ास मकसद के तहत किसी सफ़र पर भेज दे और ना उसे ना चलते वक्त सफ़र का मकसद बताए और ना बाद में किसी पैगाम के ज़रिए उस पर यह वाजी करे कि उसे किस काम के लिए भेजा गया था। कि आपने मैंने आपको कहा कि भाई वहाँ चले जाओ, ना मैंने आपको बताया, मैंने आपको भेजा कि चले जाओ और मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ या एक काम दे रहा हूँ और ना बताऊँ कि जाना कहाँ है और किस मकसद पर जाना है, क्या चीज़ लेके जानी है, कुछ नहीं बताया। ऐसा हो सकता है क्या? ये तो आप चलोगे ही नहीं ना। और सफ़र के दौरान उसकी ड्यूटी क्या होगी? जब एक मामूली अकल का इंसान भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता तो आखिर उस खुदाबंद के कुद्दूस के बारे में ये तस्वीर कैसे किया जा सकता है? मतलब कि आपने जिस एंटिटी ने, जिस अल्लाह ने इस सब चीज़ों को बनाया है और सारी चीज़ें आपको यहाँ भेजा है, वो आप तक एक मैसेज ये तक ना पहुँचाए कि भाई इस ज़िंदगी को जीना कैसे है। अगर अल्लाह ताला की हिकमत ए बालिगा पर ईमान है तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि उसने अपने बंदों को अंधेरे में नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए कोई बाकायदा निज़ाम ज़रूर बनाया है। बस इस रहनुमाई के इसी बाकायदे निज़ाम का नाम वही व रिसालत है। ठीक है, इससे साफ वाजे होता है कि ये वही अल्लाह ताला ने उन हज़ारों पैगंबरों पर नाजिल फरमाई जिन्होंने अपने अपने ज़माने में लोगों को हिदायत का सामान किया, यहाँ तक कि हुजूर अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया गया और अन हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मुकद्दस सिलसिले की तकमील हो गई। तो वही क्या है, वही क्यों ज़रूरी है, वही का मकसद क्या है, वही की लिमिट क्या है, वही किस वजह से है, किस लिमिट की वजह से वही आई है, ये सब हम सबको समझ में आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद काफ़ी कुछ है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बट ऐसे नहीं है कि रोज़ पढ़ते चले गए। अटेंशन स्पैन का भी ध्यान रखना है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और आप लोगों को मुझे बताना है कि ये चीज़ काम कर भी रही है, आप सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे, या मेरा पढ़ने का तरीका समझ आ रहा है नहीं आ रहा, या इसमें कुछ ऐड करना है सब ऐड करना है तो ज़रूर बता देना। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे भी मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ सीरतुल नबी की, तो वो भी इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगी। एक कोशिश है इल्म सीखने की, अकल को तो पढ़ाया जा सकता है, वही और वही में क्या आया था वो हमारे पास है, और उसको समझने के लिए अकल को बढ़ाना, अकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।